सो हे डियर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या आश्का ग्रेनिंजा पैल्डिया रीजन में आश्का टीम में रिटर्न करेगा, यानी कि क्या हमें वापस से आश एंड ग्रेनिंजा एक साथ देखने को मिलेगा पैल्डिया रीजन में, इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस बेसिकली मेरे पास इस क्वेश्चन की बहुत ही अलग अलग आंसर है, यानी कि सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है। सबसे पहले गाइस अगर पैल्डिया रीजन में जाके जिम बैटल्स करेगा, यानी कि हर जिम में जाएगा बैटल करेगा जिम बैच जीतेगा एंड उसके बाद वो जो है पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आश्का ग्रेनिंजा के बहुत ही कम जो है रिटर्न करने के चांसेस है। यानी कि गाइज अगर जिम बैटल्स हुए तो गाइज वो सिर्फ जो है पैल्डिया रीजन में घूमेगा एंड गाइज ग्रेनिंजा है कैलोस रीजन में। तो इस तरह से अगर हम सोचे तो आश्का ग्रेनिंजा का रिटर्न करने का 0% चांस बनता है। लेकिन अगर गाइज ऐश जो है पैल्डिया रीजन में जाने से पहले ही सोच ले कि उसे अपने एक पोकेमॉन की टीम बनानी है, यानी कि गाइज ऐश अपने सबसे स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन की टीम बना ले, तो गाइज हो भी सकता है कि ऐश जो है पैल्डिया रीजन में जाने से पहले जिम बैटल्स करने से पहले यानी कि जो है ऐश अपने स्ट्रांगेस्ट टीम बनाए जिसमें ग्रेनिंजा भी होगा, तो शायद से ऐश जो है अपने ग्रेनिंजा को भी लेके आ सकता है। अगर कैलोस के ऊपर जो कुछ भी था वो खत्म हो गया होगा, वो नेगेटिव रूट्स का जो कुछ भी था वो सब अगर खत्म हो गया तो ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस टीम में बुला सकता है जिम बैटल्स के लिए। एंड गाइस एक और रास्ता है वैसे, यानी कि ये जो है मेरी सेकेंड थियरी है, तो इसके अकॉर्डिंग गाइस पैल्डिया रीजन में यानी कि पोकेमॉन के जनरेशन 9 में जो है लेजेंडरी पोकेमॉन का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, यानी कि शायद हो सकता है कि उस जनरेशन 9 में कोई इविल टीम हो जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हो, इसलिए गाइस वो बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने की ट्राई करे जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो प्रोफेसर्स रहने वाले पैल्डिया रीजन में वो जगह ऐश को बुलाए उनकी मदद करने के लिए, शायद से उन्हें कोई रिसर्च करनी होगी लेजेंडरी पोकेमॉन्स के ऊपर, तो हो सकता है कि वो जो है गाइस लेजेंडरी पोकेमॉन्स अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मतलब जो है देखने के लिए वही सब के लिए ऐश को बुलाए बिकॉज वो चैंपियन है। तो हो सकता है कि ऐश जो है अलग अलग रीजन में ट्रैवल करे वहाँ के लेजेंडरीज देखने के लिए, एंड वैसे ही हो सकता है कि वो मतलब कैलोस रीजन में भी जाए एंड वहाँ पे शायद से उसे उसका ग्रेनिंजा वापस मिल सकता है, उसे वो अपने साथ ले ले बिकॉज उससे अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन्स से मिलना है तो उसे उसके लिए स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन तो चाहिए होगा जो कि ग्रेनिंजा है, एंड हो सकता है कि ग्रेनिंजा ऐसे ऐश की टीम में वापस आ सकता है। या फिर गाइस अगर जैसे कि पोकेमॉन जर्नी में हुआ जो कि था वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज, अगर पैल्डिया रीजन में ऐसी कोई टूर्नामेंट होती है जिसके अंदर जो चैलेंजर्स होते हैं उन्हें अलग अलग रीजन में जाके वहाँ के जो कंटेस्टेंट होंगे उनके साथ बैटल करना होगा, तो ऐसे में हो सकता है कि ऐश जो है अलग अलग रीजन में ट्रैवल करे, ऐसे वो कैलोस रीजन भी जा सकता है जहाँ पर अगर उसका कोई अपोनेंट होगा तो शायद से वो अपने ग्रेनिंजा के साथ भी बैटल कर सकते हैं, अगर वहाँ का सब कुछ खत्म हो चुका होगा तो शायद से ऐश का ग्रेनिंजा वापस उसके टीम में भी ज्वाइन हो सकता है। सो या गाइस फिलहाल हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि एग्जैक्टली पहले रीजन में क्या क्या होने वाला है, लेकिन या अगर ग्रेनिंजा हमें देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज ग्रेनिंजा एंड ऐश की जोड़ी हम फिर से देखना चाहेंगे ऊपर से एक न्यू रीजन में पैल्डिया रीजन में, तो देखने में मज़ा आने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, अगर आपकी कुछ अलग थ्योरी तो वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हो। वीडियो पसंद को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।